अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग के आंगन में बहुत ही ज़्यादा नींबू फला हुआ है और पक पक के भी बहुत नींबू गिर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब नींबू को अच्छे से देख के तोड़ लेते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा घना हम लोग का नींबू का पेड़ है और एकदम बहुत ही ज़्यादा कांटा वगैरह भी है यहाँ। तो दोस्तों, पका पका नींबू गिर जा रहा था और उसका कोई काम भी नहीं आ रहा था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि नींबू का रस से मैं हरा मिर्च का अचार बनाऊँ। तो देखिए दोस्तों, मैं नींबू तोड़ लेती हूँ। और दोस्तों, नींबू वाला मिर्चा अचार हमारे घर में सभी कोई पसंद करते हैं और आप लोग खाते हैं कि नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा बड़ा हम लोग का नींबू है और बहुत ही अच्छा, एकदम ताज़ा फ्रेश है हम लोग का नींबू और इसमें काफ़ी रस भी भरा होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़रूरत लायक मैं नींबू ले ली हूँ। और दोस्तों, अभी नींबू भी ज़्यादा नहीं बचा है और मैं सोच रही हूँ कि अचार बना ही लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ अच्छे से खड़े होकर तोड़ने के लिए भी नहीं बन रहा है, तो मैं सारे नींबू बैठ के ही तोड़ी और जो गिरा हुआ था उसको भी मैं उठा ली हूँ डलिया में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अचार बनाने के लिए। दोस्तों, आज फिर से हमारे गांव में लाइट नहीं है क्योंकि धान वाला खेत में लाइन का खंभा गिर गया है और लाइन वाला खंभा गिरने से एक लड़के और दो बैल का इंतकाल हो गया क्योंकि वो खेत में हल चला रहा था रोपा लगाने के लिए। और दोस्तों, खेत में जो लाइन वाला खंभा गिरा था वो 11,000 वोल्टेज का था, केवी तार था, और वो तीनों तार गिरते ही तुरंत ही जल गए, इसी के वजह से लाइट नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, आज मेरे को नींबू का अचार बनाना है, तो मैं नींबू निचोड़ने वाला निकाल लेती हूँ अपने पेटी से। मैं बहुत पहले ही उसको खरीद के रखी थी और आज काम आ गया मेरे को मिर्च अचार बनाने में। चलिए दोस्तों, नींबू को अच्छे से साफ पानी में धो लेते हैं, जैसे कि आंगन में भी गिरा हुआ रहता है तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी लग गया है, मैं अच्छे से धो लूँगी। चलिए दोस्तों, नींबू को अब आधे आधे भाग में काट लेते हैं, फिर निचोड़ने वाला में अच्छे से निचोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सभी नींबू को अच्छे से काट चुकी हूँ और कितने ज़्यादा नींबू हो गया है और सभी नींबू में बहुत ही अच्छा रस है। देखिए दोस्तों, चलिए अब सभी नींबू से एक एक करके रस निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना अच्छा मेरा नींबू रस निकल जा रहा है। इसी तरीके से सारे नींबू का रस को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सभी नींबू में से रस निकाल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रस हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब नींबू को अच्छे से छान लेते हैं और एक डब्बा में कर लेंगे नींबू का रस को। फिर हरा मिर्च को अच्छे से धो के बीच से काट लेंगे, फिर इसी रस में डाल देंगे और बीच से काटने से नींबू का रस उसके अंदर तक जाएगा और बहुत ही अच्छा फिर पक के हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, सभी मिर्च को अब नींबू के रस में डाल देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं स्वाद अनुसार इसमें 2-3 चम्मच नमक डाल देती हूँ, फिर मैं इसको धूप में रख देती हूँ पकने के लिए। 1-2 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों, मैं मिर्च अचार बना चुकी हूँ और आज सुबह से मैं नाश्ता नहीं की हूँ और आज मैं नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, खाना को ही नाश्ता कर लेते हैं और मैं रात को जो अंडहर सब्जी बनाई थी वही सब्जी है, तो उसी में खा लेंगे। दोस्तों, अंडहर सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप भी कभी घर में बनाकर खाइएगा और बहुत ही अच्छा बरसात के मौसम में अंडहर का सब्जी लगता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, अभी बुलबुल थोड़ा थोड़ा उठ के चलने लगी है, लेकिन अच्छे से वो नहीं चल पाती है तो वो बैठ के ही खेलती है और चलने की कोशिश बहुत ही तेज़ी से कर रही है, जैसे कि देवाल सबको भी उठ के खड़ी हो जाएगी और चलने लगती है। तो चूहा है, उसी के साथ खेल रही है वो।
तो दोस्तों मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ और यहाँ बाहर वाला किचन का मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि आज उर्दू का 7 तारीख है और मुहर्रम का 7वीं दिन है, तो मेरे को शिरनी बनाना है। तो मैं जल्दी से लिपाई पोताई कर देती हूँ ताकि कि सूख जाएगा जल्दी। फिर लिपाई पोताई करने के बाद मैं नहा लूँगी, तब तक से फिर मेरा लिपाई भी सूख जाएगा, फिर मैं शिरनी बनाने के लिए जल्दी से बैठ जाऊँगी। तो देखिए दोस्तों मैं अच्छे से लिपाई कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज हमारे गांव में, तो दोस्तों आज उर्दू का 7 तारीख है और आज 27 है, तो आज हम लोग करबला में जाएंगे फातिया दिलाने के लिए। तो उसके लिए मैं घर में बिरयानी बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों अब घर का काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं शिरनी में चिकन का बिरयानी बना लेती हूँ और यहाँ 7 तारीख को इसी का ज़्यादा फातिया होता है, तो सबसे पहले मैं चावल को अच्छे से चुन लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा चावल ऐसे अच्छे से चुना चुका है, तो चलिए दोस्तों अब इसको अच्छे से परिया लेते हैं, शायद एक गो कंकड़ होगा तो निकल जाएगा। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया शिरनी बनाने में और बनाते बनाते 6 बज गया और हम लोग डर रहे थे कि करबला पहुँचने में हम लोग को लेट ना हो जाए, लेकिन टाइम से हम लोग पहुँच ही गए और मेरा चावल अच्छे से धो चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं बिरयानी वाला डेगची में पोती अच्छे से लगा दी हूँ ताकि कि डेगची काला ना हो जाए, और मैं जल्दी से प्याज को भी काट लेती हूँ। और मेरा डेगची भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए दोस्तों इसमें मैं रिफाइन तेल डाल देती हूँ और जो डालडा निकाल के रखी हूँ उसको भी डाल दूंगी। और तेल गरम होने के बाद मैं प्याज को डाल के अच्छे से भून लूँगी। और दोस्तों मेरा प्याज भी अच्छे से लाल हो चुका है और जो मैं पुलाव मसाला निकाल के रखी हूँ उसको भी डाल देती हूँ। और दोस्तों बिरयानी बनाने के लिए मैं मसाला पीस चुकी हूँ और उसको भी डाल देती हूँ, फिर अच्छे से मसाला को भून लूँगी। फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी चावल पकने के लिए। तो देखिए दोस्तों मेरा बिरयानी का पानी अच्छे से खौल चुका है और जो मैं चावल धो के रखी थी उसको भी मैं डाल देती हूँ अब पकने के लिए, फिर इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों मेरा बिरयानी का चावल बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसको उतार देते हैं, फिर चिकन को अच्छे से भूंज लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चिकन भूंजने के लिए अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं और मैं बड़ा वाला कढ़ाई को चढ़ाई हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है और मैं चिकन को डाल देती हूँ अच्छे से भुंजाने के लिए। तो देखिए दोस्तों मेरा पूरा चिकन अच्छे से भुंजा चुका है और जो मैं चिकन का मसाला पीस के रखी थी और उसको भी डाल के और अच्छे से भूंज लेते हैं। तो दोस्तों चिकन और चावल बन के रेडी हो चुका है और डेगची एकदम भर गया है, तो मैं काब में आधा चावल को निकाल लेती हूँ और जो मैं चिकन बनाई थी उसको मैं चावल में आधा आधा करके मिक्स कर दूंगी। तो दोस्तों हम लोग का शिरनी बन के रेडी हो चुका है और करबला में बांटने के लिए प्लास्टिक में पैक कर लेते हैं और वहाँ फातिया दिलाने के लिए एक डेगची में भर के ले जाएंगे, फिर फातिया वहाँ दिला देंगे, फिर शिरनी को अच्छे से बांट देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो वहीं तक रखते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बाय।